हम लोग आज एक क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं और हम लोग एक एक पार्ट को आराम से डिस्कशन करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ए लार्ज ट्रक एंड ए कार बोथ मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड वी हैव ए हेड ऑन कोलिजन एंड बोथ ऑफ देम कम टू ए हॉल्ट आफ्टर दैट। इफ द कोलिजन लास्ट फॉर 1 सेकेंड, हमें बताना है विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट का मतलब हम लेंगे रिजल्टेंट फोर्स से अभी के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक लार्ज ट्रक है और ये हमारा एक कार है, ठीक है। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों एक दूसरे की ओर बराबर बराबर वेलोसिटी भी से जा रहा है ना। और आप लोगों को समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि ट्रक जो है उसका मास 1000 kg है और कार का मास 100 kg है। इसके बाद हम ये भी मान लेते हैं कि ट्रक का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और टकराने के बाद जीरो हो जाएगा, और जबकि कार का वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, समझे, इसका मैग्नीट्यूड, और टकराने के बाद ये जीरो हो जाएगा, है ना। दोनों के लिए टाइम ऑफ जो भी कॉलिजन है वो 1 सेकेंड का है, जिसमें 1 सेकेंड के बाद दोनों का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से जीरो आएगा। एक चीज़ हम और मानेंगे कि जो ग्राउंड है और यहाँ पर जो टायर लिया हुआ है, तो ग्राउंड और टायर के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो दोनों के लिए बराबर होगा और दोनों के लिए हम 0.1 मान लेते हैं, ओके। अब हम पहले ट्रक के लिए देखेंगे। तो अगर हम लोग ट्रक के लिए देखते हैं तो मान लेते हैं ये ट्रक है, और जैसा कि देखते हैं कि ट्रक पर जो लगने वाला फोर्स है, तो पहला नीचे की ओर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg के बराबर होगा, और सरफेस के द्वारा उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जो नॉर्मल फोर्स होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जब यह ट्रक जो है वो आगे की ओर, यह ट्रक आगे जा रहा है, तो कार इस पर पीछे से धक्का मारेगा, यानी कि यह जो एफ आ रहा है, ये एफ ये कार के द्वारा एक्शन किया गया है, और इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लग जाएगा क्योंकि ये टक्कर के बाद रुक जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, तो n बराबर mg होगा, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स ऑफ इम्पैक्ट है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड F-F होगा, क्योंकि यह जो F है वो कार के द्वारा लगाया गया फोर्स है, समझे, और यह जो F है वो अपोजिट डायरेक्शन में जमीन का फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला होता है μN, और यहाँ पर देखो N बराबर mg दिया हुआ है, तो N के जगह पर μmg लिख सकते हैं। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो जो टोटल फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन ट्रैक जो आएगा वो आ जाएगा ये वाला F माइनस म्यू के जगह पर 0.1 वैल्यू है, एम के जगह पर 1000 है, और जी का वैल्यू 10 आएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, जिससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो ये फोर्स ऑफ इंपैक्ट ऑन द जो ट्रैक आएगा वो एफ माइनस 1000 आ जाएगा। इसको हम ए मान लेते हैं। अब हम लोग इसी तरह का कैलकुलेशन कार के लिए करेंगे, समझे। तो ये मान लेते हैं कार है, और कार में नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो m-g होगा, जबकि नॉर्मल फोर्स ऊपर में n- माना गया है, ठीक है। अब देखो जब ये कार ट्रक को आगे की ओर जितना फोर्स से धक्का देगा न्यूटन के थर्ड लॉ से, यह ट्रक भी कार को उतना ही फोर्स से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा। इसलिए जब ट्रक पर कार ने बैक डायरेक्शन में एफ फोर्स लगाया, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से कार पर भी ट्रक उतना ही फोर्स आगे के डायरेक्शन में लगाएगा रोकने के लिए, और इसलिए कार पर पीछे की ओर एक एफ डैश फोर्स लगेगा। अब क्योंकि ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस्ड है, यानी एन डैश जो होगा वो m-g के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर लेते हैं, तो कार के लिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स ऑफ इम्पैक्ट आएगा वो F माइनस F डैश आएगा।
ये जो फोर्स है एफ, ये तो न्यूटन के थर्ड लॉ से बराबर है जो कार ट्रैक पे लगाए या ट्रैक कार पे लगाए, लेकिन फ्रिक्शन इसमें अलग आएगा क्योंकि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन डैश, और म्यू का वैल्यू हमने 0.1 लिया है और एन डैश, तो देख लो एन डैश का वैल्यू एन डैश जी के बराबर होगा, एम डैश का वैल्यू हमने 100 लिया है और जी का वैल्यू 10 है, तो पॉइंट को हटाने पर 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो करके ये टोटल जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन कार आएगा वो एफ माइनस 100 आ जाएगा। अब ध्यान दें, क्योंकि हम देखते हैं कि एफ और एफ दोनों में बराबर है, तो जिसमें कम घटाया गया है वो बड़ा हो जाएगा और जिसमें ज़्यादा घटाया गया है वो कम हो जाएगा, है ना। यानी इससे यह पता लगता है कि यह जो वैल्यू है ये कार के लिए है, यानी कार पर जो टोटल फोर्स ऑफ इम्पैक्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि कार एक्सपीरियंसेज द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। ओके, और अब हम लोगों का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है कि विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो जैसा कि हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स लगता है, समझे, टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो अप्लाई होता है वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। तो अगर हम इससे चेंज इन मोमेंटम को निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा टोटल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, है ना। अब क्योंकि हम लोग पहले सवाल में निकाल चुके हैं कि ये जो टोटल फोर्स ऑफ इम्पैक्ट है वो कार पर ज़्यादा लग रहा है और ट्रक पर वो कम लग रहा है, है ना, तो इसलिए जब कार के लिए टोटल फोर्स ज़्यादा होगा तो टाइम तो दोनों के लिए बराबर है, तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट क्योंकि कार में ज़्यादा है तो जो मोमेंटम आएगा, है ना, वो कार जो है वो ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम को एक्सपीरियंस करेगा, इसलिए चेंज इन मोमेंटम जो कार के लिए होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि विच व्हीकल एक्सपीरियंसेज द ग्रेटर एक्सीलरेशन। हम लोग पहले सवाल में यह निकाल चुके थे कि कार पर जो लगने वाला टोटल फोर्स ऑफ इम्पैक्ट था वो एफ माइनस 100 था, यहाँ पर 100 कार का मास दिया गया है, ठीक है, ये जो 100 है ये मास ऑफ द कार लिया गया था। इसी प्रकार जो ट्रक के लिए टोटल जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट हमने निकाला था वो एफ माइनस 1000 है और यहाँ पर 1000 ये भी ट्रक का मास है, तो हम लोग जानते हैं कि नेट जो एक्सीलरेशन कार का आएगा वह टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास के बराबर आएगा, है ना, तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स होगा वो एफ माइनस 100 बाई एम आएगा, और जैसे ही एम का वैल्यू हम लोग 100 पुट करेंगे वैसे ही ये आ जाएगा एफ बाई 100 माइनस 1, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी प्रकार अगर हम ट्रैक में करते हैं तो ट्रैक का जो टोटल एक्सीलरेशन आएगा वह टोटल फोर्स बाय मास आएगा, है ना, और मास के जगह पर 1000 पुट करेंगे तो आ जाएगा एफ बाय 1000 माइनस 1। ओके, इसको सेकंड मान लेंगे। अब देखो जब हम लोग इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो क्योंकि दोनों में 1 को घटाया गया है यानी बराबर बराबर घटाया गया है, ठीक है, अब तुलना करो एफ बाय 100 और एफ बाय 1000 में, क्योंकि एफ दोनों में बराबर है, ये जितना है ये वाला भी उतना है, तो इसमें जब कम से भागा देंगे तो ज़्यादा आएगा और इसमें जब ज़्यादा से भागा देंगे तो कम आएगा, तो इससे यह पता लगता है कि जो ट्रैक का एक्सीलरेशन होगा वो छोटा होगा और जो कार का एक्सीलरेशन होगा वो बड़ा आएगा। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन द ट्रैक। देखो अगर हम लोग ये मान लें कि कार और ट्रक दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, समझे, तो यहाँ पर बात डैमेज की आती है, है ना, और डैमेज फोर्स से होता है, ठीक है। अब क्योंकि कार पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट है वो ट्रक से बहुत ज़्यादा है, है ना, इसीलिए कार में जो होने वाला डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है।